अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डे 9 से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले राइट ए टू जेड, यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स ए टू जेड लिखने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर, मैंने यहाँ पे कुछ टू लेटर वर्ड्स राइट डाउन किए हैं, बच्चे को क्या करना है कि इसे कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट है फाइंड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड राइट, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, बच्चे को क्या करना है कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन से है और वॉवल्स कौन से हैं वो पहचानना है और दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे ये एक सर्कल बनाया है दो, तो इसमें वॉवल्स यहाँ लिखना है एंड कॉन्सोनेंट्स इस सर्कल में लिखना है। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉल लेटर ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं कैपिटल लेटर में और यहाँ पे स्मॉल लेटर में बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि इसका स्मॉल लेटर कौन सा होगा, तो उसे सर्कल करना है। जैसे ये डी, तो इसका स्मॉल लेटर कौन सा होगा, तो बच्चे को फाइंड करके उसे इस तरह से सर्कल करना है। नेक्स्ट है हिंदी में मैंने उसकी राइटिंग स्किल्स के लिए ऊ अक्षर यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए स्पेस दे दी है। हिंदी में नेक्स्ट आता है अक्षर पहचाने, मैंने यहाँ पे हिंदी के कुछ अक्षर लिखे हैं, बच्चे को क्या करना है कि ये अक्षर पहचान कर उसे सर्कल करना है। जैसे ये अक्षर है ई, तो बच्चे को ई अक्षर पहचानना है और उसे सर्कल करना है। यहाँ पे मैंने ओ अक्षर बनाकर दे दिया है कलर करने के लिए। मैथ्स में मैंने राइट मिसिंग नंबर की एक्टिविटी डाली है, मैंने यहाँ पे 1 to 20 नंबर्स लिखे हैं और उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो बच्चे को कौन सा नंबर मिसिंग है ये फाइंड करना है और लिखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ सर्कल्स, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए हैं, तो बच्चे को नंबर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नंबर है और फिर उतने सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक के नेक्स्ट डे की एक्टिविटी, तो सैटरडे लर्न करवाया है अगेन सेम पैटर्न में। मैथ्स में नेक्स्ट है कलर द शेप्स, मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ करे हैं, उसके अंदर नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने उसके कलर कोड लिखे हैं। जैसे वन में ब्लू, टू पिंक, थ्री येलो, फोर रेड, फाइव ब्राउन, तो जब बच्चे को पहचानना है वन में यहाँ ब्लू है तो यहाँ ब्लू करना है। जैसे फाइव ब्राउन, तो फाइव फाइंड करेंगे और उसे ब्राउन करेंगे। नेक्स्ट है काउंट एंड मैच, मैंने यहाँ पे डाइस बनाए हैं और यहाँ पे नंबर नेम लिखे हैं, बच्चे को क्या करना है कि डाइस के ये डॉट्स काउंट करने हैं और ये नंबर नेम पढ़कर उसे मैच करना है। मैथ्स में नेक्स्ट है नंबर नेम की वर्कशीट, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर नेम लिखे हैं जैसे 1, 2, 3 and 4 और यहाँ पे मैंने लिखने के लिए स्पेस दे दी है। अगर आपको प्रीवियस वर्कशीट की वीडियो चाहिए होगी तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको प्रीवियस वर्कशीट की वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूँगी मैं, आप वहाँ से जाके प्रीवियस डेज की वर्कशीट देख सकते हैं कि कैसे बनाई गई है। मैंने जो भी वर्कशीट्स बनाई हैं, अगर आपका बच्चा ये वर्कशीट्स नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें से कुछ वर्कशीट स्किप कर दीजिए, बाद में उसे ऐड कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्कशीट इसके साथ ही करानी है, आप उसे बाद में दे दीजिएगा करने के लिए। अगर आपका बच्चा ये सारे वर्कशीट करने के लिए नहीं रेडी हो रहा है, आप क्या कीजिएगा कि इसमें की आधी वर्कशीट कराइएगा, आधी कल कराइएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्कशीट जितने मैं आज बता रही हूँ ये पूरी की पूरी आज ही करानी है, ये ज़रूरी नहीं है। आधी वर्कशीट्स आज लीजिए, आधी वर्कशीट्स कल लीजिएगा। ओके, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।